आदाब के पी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर शहर की विभिन्न सड़कों की हालत खराब, सड़कों के बीच पड़े हैं खड्डे, आंख मूंद कर सो रहा है प्रशासन। बुधवार को जामिया नूरुल इस्लाम चिटगुप्पा में जमीयत उलमा हिंद बीदर का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का किया जा रहा है आयोजन, कई प्रसिद्ध उलमा होंगे शामिल। कर्नाटक में पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार आतंकी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के गोटमार मेले के दौरान पथराव में 400 से अधिक लोग हुए घायल, इनमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घर घर जाकर टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इनकार, कहा पूरे देश को एक सामान्य आदेश से चलाया नहीं जा सकता। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में पिछले दिनों लगातार मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें आम लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं रास्ता चलने वालों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीदर शहर में जगह जगह सड़कें इतनी खराब हालत में हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों के बीच खड्डे पड़े हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा हो गया है। उसी पर से मोटर गाड़ियां गुजर रही हैं। कुछ सड़कें तो ऐसी नजर आ रही हैं मानो वो सड़क नहीं कोई आम जगह है, उसमें खड्डे और दरारें पड़ी हुई हैं, मगर नगर प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। इन खराब सड़कों पर दुर्घटना घटित होने की संभावना है, नगर सभा को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में लोगों ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा को इन सड़कों की खराब हालत के बारे में बताया और बीदर के विधायक रहीम खान को निशाना बनाते हुए कहा कि जब जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो विधायक पद से इस्तीफा दे दें। बीदर की हालत बहुत गंभीर है। आज रोड देखे तो बहुत शर्म आ रही है हमारे को बीदर में रहने के लिए। आज शासक कहाँ है नहीं पता हमारे को। शासक आप जन प्रतिनिधि आप माने रमखान जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर आप 10 दिन के अंदर रोड के काम अगर नहीं करें, हमें बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्ट्राइक करेंगे, बीदर जिला बंद करेंगे और इसमें सब लोग सहकार करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कहीं भी हो। आप फंड नहीं है और इसके बारे में आप जागृत करें, डेली दो जान जा रहे हैं साहब। आप खानसा बैंक के MLA हैं, जनप्रतिनिधि है, यहाँ के वो यहाँ के लोग उनको वोट डाले, उन्हें तो ना अभिवृद्धि आय के नहीं हुआ ना, तो इनके लोग उनको वोट डाले, उनका वोट का तो आप कुछ काम करना पड़ता है, उन्होंने जाके सिर्फ बेंगलुरु से बिहार सिर्फ फ्लाइट से आए तो उनको प्रॉब्लम होता। आज गर्व से देख रहे सर, खड्डे कैसे देख रहे हैं अभी। गुम्पा रोड तो इतना खराब हुआ, गुम्पा रोड सिटी रोड सर, शर्म आ रहा है हमारे बीदर में रहने को। यही सिचुएशन है सर, गली से लेकर पूरा सिटी पे मेन रोड सिर्फ खराब है सर। यहाँ देखो मेरे पे कीचड़ उड़ रहा है, शर्म होना चाहिए, शर्म होना चाहिए सर, शर्म होना चाहिए सर, शर्म करो कुछ। आने आगे आने वाले दिनों में 10 दिन में अगर आप काम नहीं करें, हम ईडी जिला में स्ट्राइक करेंगे और माने मैं विनती कर रहा हूँ आपको, एक और मैं आपको पूरा जिला की ओर से विनती कर रहा हूँ सब, जल्द से काम करिए, जागिए सब, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आपको हम घर को भेजने के लिए। सर गाड़ी तो नुकसान हो रहा है, एक तो गाड़ी के पार्ट्स टूट रहे हैं और तो जान जा रहे सब, गाड़ी तो हम खरीदी करते हैं मगर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है इससे और इससे वायरल इन्फेक्शन हो रहा है सर, डस्ट इन्फेक्शन हो। कितने बार एक्सीडेंट को देखा आपने? बहुत बार देखा है सर, बहुत बार मैंने एक्सीडेंट देखा है, कई बार मैंने ब्रिम्स में एडमिट करने की कोशिश किया है। मैंने सचिव साहब से मैं विनती करता हूँ आगे वाले दिन से आप खान साहब से बात कर जल्द से जल्द रोड करिए, क्योंकि प्रॉब्लम पब्लिक प्रॉब्लम हो रहा है। पब्लिक अगर जन आशीर्वाद आपको आपका जनता अगर आशीर्वाद नहीं करे तो आप MLA बनने के लायक नहीं है। रीज़न पूछता हूँ मैं आपसे, आप इमीडिएट रीज़न दो और मेरे और मैं बोलता हूँ सार्वजनिक का MLA बनाएंगे, वो काम करता है। तो 9 सितंबर गुरुवार को जामिया नूरुल इस्लाम चुटगुप्पा मुस्तरी रोड में जमीयत उलमा हिंद बीदर का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण सत्र सुबह 10 बजे से असर तक चलेगा। इसकी निगरानी जमीयत उलमा बीदर के अध्यक्ष मुफ्ती गुलाम यजदानी शाहती करेंगे, जबकि जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अब्दुल बाखवी, जमीयत उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब कासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र और सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा हाफिज पीर खलीक अहमद मुख्य अतिथि होंगे। जमीयत उलमा हिंद चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।
9 सितंबर बरोज जुमेरात जामिया नूरुल इस्लाम चुरकुप्पा में जमीयत उलमा ज़िला बीदर की जानिब से एक तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान और दक्कन के मशहूर उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके पर जमीयत उलमा तालुका चुरकुप्पा की जानिब से सभी अफराद से अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कर्नाटक के गुलबर्गा में 2006 में पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को 15 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आर्म्स एक्ट और अन्य एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं में उसकी सजा को बरकरार रखा है। उसे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब्दुल रहमान उर्फ बाबू उर्फ अब्दुल्ला को कर्नाटक पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का आतंकी बताया था और दावा किया था कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 2010 में उसके खिलाफ लगाई गई गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UAPA की धाराओं को हटा दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वार्षिक गोटमार मेले के दौरान 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मेले में हर साल जाम नदी के तट पर सदियों पुरानी परंपरा के तहत 2 गांव के लोग एक दूसरे पर पथराव करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिले के पांडुरना कस्बे के पास इस वार्षिक पथराव मेले के लिए 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों और 35 डॉक्टरों के एक दल को तैनात किया गया था। यहां ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी स्थिति की निगरानी की गई थी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया ने कहा कि मंगलवार को गोटमार मेले के दौरान 400 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर नाबालिग लोग हैं, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए नागपुर भेजा गया है। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना में कम लोग घायल हुए हैं। सुमन ने लोगों से अपील की है कि समय के साथ इस मेले को प्रतीकात्मक तरीके से ही आयोजित करें। कांग्रेस ने हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि तालिबान के साथ बातचीत करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकती। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह भी किया कि वो किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और तीनों काले कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करें। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें 10 महीने से गांधीवाद तरीके से आंदोलन करत किसानों को जानबूझकर भड़काने और लड़वाने की साजिश कर रही हैं। ये साजिश केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जवानों और किसानों को लड़वाने की भी साजिश है। करनाल में हजारों किसानों पर पानी की बोछारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसानों ने अपना संयम नहीं खोया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्गा जिले में बने चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। राणे ने ये घोषणा कुछ दिन पहले ही शिवसेना द्वारा इसी तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित करने की जानकारी दिए जाने के बाद की है। राणे की इस घोषणा से उनके और शिवसेना के बीच नए सिरे से गतिरोध पैदा हो सकता है। सक्षम लघु और मध्य उद्यम मंत्री राणे ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मैं और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके के कनॉट पैलेस में जंक यार्ड कैफे और एम्पलीफायर द क्लब के अलावा होटल सम्राट में नाइट क्लब के खिलाफ COVID-19 नियमों को ना मानने को लेकर केस दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त को एक शख्स ने फोन करके बताया कि कुछ नाबालिग सम्राट होटल के एक क्लब में पार्टी में आए हैं। इसके बाद चाणक्यपुरी इलाके में स्थित होटल सम्राट में की नाइट क्लब में पुलिस पहुंची। पुलिस ने कहा कि मौके पर पहुंचने पर पार्टी में नाबालिग तो नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद कई लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए इस मामले में कोविड नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का मुंबई में निधन हो गया है। इसकी जानकारी खुद अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि वो मेरी सब कुछ थी, आज मैं बहुत दर्द में हूँ, ये दर्द असहनीय है। आज सुबह उनका निधन हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर अब दूसरी दुनिया में पापा से फिर मिल गई। मैं आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूँ,
बता दें कि अक्षय कुमार मां की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिन पहले ही लंदन से शूटिंग छोड़कर वापस मुंबई लौटे थे। वो आईसीयू में भर्ती थी। अक्षय ने परिवार में चल रहे इस मुश्किल वक्त को लेकर भी बात की थी। उन्होंने लिखा था कि उनके परिवार को दुआओं की जरूरत है। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा था कि शब्दों से ज्यादा मैं आपके प्यार और दुआओं से जुड़ाव महसूस कर रहा हूं। मेरी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे और परिवार के लिए ये मुश्किल घड़ी है, हर घंटा मुश्किल से निकल रहा है। आप सभी की मदद के लिए थैंक्स। अक्षय कुमार ने जब ये पोस्ट किया उस समय माँ की हालत गंभीर थी और वो मुंबई के हीरानंदिनी अस्पताल में भर्ती थी। अब वक्त है एक ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुआशरा कमेटी की मंगलवार को हुई अहम बैठक में कई मसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को केवल नमाज तक ही सीमित कर दिया है। पिछले कई सालों से सामाजिक मामलों की उपेक्षा की जा रही है और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि शादियों में दहेज देने के बजाय लड़कियों को प्रॉपर्टी में उनका असल हक दिए जाने की जरूरत है। भारत में शादियों में दहेज लेने और देने पर हमेशा से पाबंदी रही है। इसके बावजूद शादियों में काफी दहेज चलता है। इस्लाम में दहेज लेने और देने दोनों पर मनाही है। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कई बार दहेज को गैर इस्लामिक करार दे चुका है। इसके बावजूद शादियों में अभी भी दहेज लिया और दिया जा रहा है। नदवी ने कहा कि इस्लाम धर्म जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए मुसलमानों को हर क्षेत्र में हलाल और हराम का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम को केवल नमाज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर मंगलवार की रात को बमबारी की गई। इससे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले इस वाकये से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ सकती है। पार्टी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से इस हमले को लेकर चिंता जाहिर की गई है। खबरों के मुताबिक अर्जुन सिंह के कोलकाता के निकट अगताल इलाके में स्थित आवास पर 3 बम फेंके गए। लोहे के गेट पर बम धमाकों के निशान साफ दिखाई दिए। हालांकि इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
घर घर जाकर कोविड टीकाकरण करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सामान्य निर्देश केंद्र सरकार की प्रशासनिक जरूरतों और नीतिगत फैसलों को देखते हुए जारी नहीं किए जा सकते। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो लोग नहीं जा सकते उनके घर जाकर टीकाकरण किया जाए, लेकिन देश में अलग अलग जगह हालात अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख, केरल और यूपी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हालात अलग हैं। आपको इस तरह देश के डाइवर्सिटी को देखना चाहिए। पूरे देश को एक सामान्य आदेश से चलाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र की गिनती देश के विकसित राज्यों में होती है। यहाँ सब कुछ बेहतर होने का दावा किया जाता है, लेकिन अब आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद शायद आपका विकसित शब्द से विश्वास डगमगा जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के नंदुरबार के पहाड़ी इलाके में बुधवार की सुबह चाद सली घाट के पास लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता बंद हो गया था। उसी इलाके के रहने वाली सिदलीबाई पाड़वी नाम की महिला की तबीयत खराब होने के कारण जब कोई चारा नहीं बचा तो महिला के पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्हें कांधे पे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। पति ने अपनी जीवन संगिनी को बचाने की भरपूर कोशिश की और काफी दूर तक उन्हें उठाकर ले गया ताकि समय रहते अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया जा सके। इस घटनाक्रम की सबसे दुखद बात यह रही कि पति की हिम्मत काम नहीं आई और महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई बार बच्चे कुछ ऐसी शरारत कर जाते हैं जिस पर गुस्सा होने की बजाय आपको हंसी आ जाती है। ऐसा एक वाकया तुर्की में हुआ। सोशल मीडिया पर तुर्की का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको हंसी आ जाएगी। दरअसल एक हाईवे टनल का उद्घाटन होना था जिसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को बुलाया गया था। उन्हीं के हाथों से फीता काटकर उद्घाटन होना था, लेकिन उनके फीता काटने से पहले ही एक बच्चे ने उद्घाटन का फीता काट दिया। इसके बाद तैयब अर्दोगान का ध्यान उस बच्चे पर जाता है जो कटे हुए फीते को एक ओर से पकड़ के खड़ा था। ये देखकर अर्दोगान बच्चे के सिर पर मजाकिया लहजे में धीरे से मारते हैं। वीडियो 4 सितंबर का बताया जा रहा है। इस मौके पर कई अन्य बच्चे भी वहां मौजूद थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने उनसे बातचीत। देश की सबसे पॉपुलर सिंगर आशा भोसले का आज जन्मदिन है। वो 88 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थे और माँ शिवंती गुजराती थी। आशा भोसले के पिता एक्टर और क्लासिकल सिंगर थे। जब आशा 9 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। तब उन्होंने परिवार के सपोर्ट के लिए अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ फिल्मों में गाना और एक्टिंग शुरू की थी। आशा भोसले ने पहली बार साल 1943 में आई मराठी फिल्म मझा बाल का सॉन्ग चला चला नव बाला गाया था। 1948 में आई फिल्म चुनरिया का सॉन्ग सावन आया उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला डेब्यू सॉन्ग था। उन्होंने पहला सोलो हिंदी सॉन्ग फिल्म रात की रानी 1949 में गाया था। आशा भोसले जब 16 साल की थी तब उन्होंने 31 साल के गणपत राव भोसले से शादी की। ये शादी उन्होंने परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर की थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर की विभिन्न सड़कों की हालत खराब। सड़कों के बीच पड़े हैं खड्डे। आंख मूंद कर सो रहा है प्रशासन। बुधवार को जामिया नूरुल इस्लाम चिटगुप्पा में जमीयत उलमा हिंद बीदर का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का किया जा रहा है आयोजन। कई प्रसिद्ध उलमा होंगे शामिल। कर्नाटक में पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार आतंकी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के गोटमार मेले के दौरान पथराव में 400 से अधिक लोग हुए घायल। इनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घर घर जाकर टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इनकार। कहा पूरे देश को एक सामान्य आदेश से चलाया नहीं जा सकता। केपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।